नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। और दोस्तों थोड़ा सा अभी हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट्स को लेकर बात करने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों पहला तो अपडेट होगा यहाँ पर ईओएस को लेकर। और दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे एक प्रेडिक्शन को लेकर, और उसके बाद इंडिया से भी एक अपडेट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर। तो हम यहाँ पर थोड़ा बात करने वाले हैं इन अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ईओएस के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं कि ईओएस में अभी कल से अगर कंपैरिजन करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कल कुछ $6 के आसपास था और अभी यहाँ पर कुछ $9 के आसपास चल रहा है, तो एक मची ग्रोथ देखने को मिल गई है। जैसे कल यहाँ पर रात के आसपास मैंने चेक किया था तो एक ग्रोथ मुझे देखने को मिली थी, लेकिन मुझे रीज़न पता नहीं चल पाया था कि भाई क्या है, और चेक भी नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद मुझे एक और अपडेट यहाँ पर मिल गया था कुछ 11 बजे के आसपास रात में। तो अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ईओएस के बारे में। आपको एक यहाँ पर एयर ड्रॉप देखने को मिलने वाला है, और इसका जो स्नैपशॉट है आपको देखने को मिल जाएगा अप्रैल 15 को, मतलब अभी आने वाला है बहुत जल्दी। और सुबह 6 इंडिया के टाइम के हिसाब से बात कर ले तो सुबह कुछ 6:30 बजे के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो आपको लेट अप्रैल या फिर अर्ली मई में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक एक के रेशियो में होगा, मतलब अगर आपके पास एक ईओएस है तो आपको एक ईओएस डैक भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर 100 EOS का बैलेंस है तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा आपके अकाउंट में, लेकिन अगर इससे कम है तो आपको ये मैन्युअली जाके क्लेम करना होगा। और अगर आपको यहाँ पर ईओएस डैक स्नैपशॉट में चाहिए तो आपको यहाँ पर जो भी प्रोसेस है 1 घंटे के पहले अपना कर लेना होगा, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा इसको प्रोसेस करने के पहले। और दोस्तों अभी हम थोड़ा सा देख लें अगर इनके एक्सचेंज के सपोर्ट को लेकर, तो दोस्तों यहाँ पर एक लिस्ट है, बेसिकली आप देख पा रहे होंगे सामने ही, यूबी हो गया, ओटीसी, बीटीसी हो गया, गेट हो गया, ओके केएक्स हो गया, क्वाइनेक्स हो गया। तो ये सारे यहाँ पर अनाउंस कर चुके हैं कि यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसको ईओएस डैक ने भी यहाँ पर रिट्वीट किया था, तो आप इसको भी देख पा रहे होंगे। वैसे दोस्तों हम बात कर लें थोड़ा सा ईओएस के बारे में कि इंडिया में कैसा क्या है। तो यहाँ पर आपको जैसे क्वाइनेक्स हो गया, बीएनएस हो गया, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ से भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एयर ड्रॉप है वो सपोर्ट करेगा कि नहीं, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। अभी ऐसा कोई अपडेट सामने नहीं है। अगर यहाँ पर आता है तो मैं इसको ज़रूर टेलीग्राम में यहाँ पर अपडेट करा दूंगा, तो आप उसको भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर पॉइंट्स थे, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी दोस्तों हमारे यहाँ पर अगला अपडेट है जो कि है मिस्टर टॉम ली की तरफ से, और यहाँ पर एक प्रेडिक्शन सामने आई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इनके पास से एक इंडेक्स है जो कि काम करता है सेंटीमेंट्स के ऊपर। अब दोस्तों पर बात कर लें टॉम ली की, तो दोस्तों इनका कहना है कि यहाँ पर जो एक टैक्स डे चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये अप्रैल 17 को ख़त्म होने वाला है, तो इसके बाद से यहाँ पर आपको जो एक बढ़त है अपने आप देखने को मिल जाएगी बिटकॉइन और जो भी एल्टकॉइन्स हैं उसमें। तो एक यहाँ पर प्रेडिक्शन निकल कर सामने आई है। वैसे यहाँ पर ये काफ़ी प्रेडिक्शन करते हैं, जो भी सेंटिमेंट्स इनके सामने निकल कर आते हैं उनके अकॉर्डिंग। और इनका यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर जो इंडेक्स है बेसिकली यहाँ पर डाउन हो चुका है 27 तक। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ओवर सेल हो चुकी हैं करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन वगैरह। तो इसके बाद यहाँ पर आपको जो कंडीशन है बेटर देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों भी कैसा क्या निकल कर सामने आता है। अभी दोस्तों एक और अपडेट था जो कि थोड़ा सा अच्छा अपडेट है इंडिया से, और ये भी मैं शेयर करना चाह रहा था आपके साथ। दोस्तों अपडेट है यहाँ पर कि इंडिया बेसिकली फॉलो करने वाला अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को काफ़ी सारे सेक्टर में। लेकिन दोस्तों अभी जो यहाँ पर अपडेट सामने आया है वो आया है यहाँ पर जो ड्रग डिपार्टमेंट होता है उसकी तरफ से। वैसे यहाँ पर नीति आयोग का ये कहना है कि यहाँ पर अभी फिलहाल POC वगैरह चल रही है, और यहाँ पर पूरा प्लान है कि POC वगैरह जो भी यहाँ पर ख़त्म कर दी जाए इस साल तक, और अगले साल 2019 तक जो सर्विसेज हैं ब्लॉकचेन वाली रोल आउट करना शुरू कर दी जाए। तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। बेसिकली यहाँ पर जो इशू था दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी आपको नकली दवाइयाँ देखने को मिल जाती थी और बहुत सारे लोग इसके शिकार भी हो जाते थे, तो अभी ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा जैसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। वैसे कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ 20% के अराउंड यहाँ पर बताया जा रहा है कि दवाइयाँ कुछ ऐसी होती थी जो कि सब स्टैंडर्ड की होती थी या तो फिर फॉल्सीफाइड होती थी, तो ये देखने को मिल जाती थी इंडिया के अंदर ही। लेकिन दोस्तों इससे बड़ा अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता था कुछ 35% का, जो कि दोस्तों जाता था नकली दवाइयों का बाहर, इंडिया के बाहर जो जाता था। तो सोचिए कितना बड़ा नंबर जाता था। अभी यहाँ पर एक अच्छी चीज़ आपको ये भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आपको एक QR कोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा दवाओं के ऊपर, जिससे आप यहाँ पर अपनी एक मोबाइल ऐप से ट्रैक कर पाएंगे कि भाई जो भी दवा है सही जगह से आई है कि नहीं, और मतलब सही है कि नहीं, आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ऐसी भी कुछ बातें चल रही हैं, और साथ ही यहाँ पर जो डुप्लीकेशन वाली बात होती है वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक कंट्रोल की जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितना हेल्पफुल होने वाला है आने वाले टाइम पर अगर यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं दोस्तों 2019 तक यहाँ पर कब तक ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, इसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। काफ़ी अच्छा दोस्तों ये अपडेट यहाँ पर सामने आया है इंडिया की तरफ से।
अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ तो समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर ब्लॉकचेन कितना ज़्यादा हेल्पफुल है एक्चुअल में चीज़ों को करने के लिए, कितना ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। अभी हम यहाँ पर बात कर लें ड्रग की, तो यहाँ पर ड्रग को भी पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा कि भाई कब निकला, कहाँ से निकला, कहाँ तक गया, कैसे क्या सेल हुआ, तो हर चीज़ को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब यहाँ पर बेसिकली देखने वाली बात होगी कि कब कब तक यहाँ पर चीज़ें सामने आ जाती हैं। अभी दोस्तों हम थोड़ा सा बात कर लें यहाँ पर RBI के बारे में, कि क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई कैसा क्या अपडेट चल रहा है RBI का। तो मैं बता दूं कि जो मेरे पास अभी लेटेस्ट अपडेट था, मैंने यहाँ पर कल एक वीडियो दिया था उसके ऊपर, और मैं खुद दोस्तों यहाँ पर वेट कर रहा हूँ RBI का कि भाई क्या यहाँ पर कहते हैं RBI वाले, और जो भी दोस्तों अपडेट होगा मैं उसको बिल्कुल क्विकली अपडेट करूँगा। मैं आपको या तो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा या फिर लाइव आकर शेयर कर दूंगा, जो भी अपडेट होगा मैं खुद इसका यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि RBI एक्चुअल में क्या कहने वाला है या फिर बेसिकली गवर्नमेंट क्या कहने वाली है। RBI तो इतना मैटर नहीं करता, गवर्नमेंट क्या कहती है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसी बातें सामने आती हैं, जो भी अपडेट्स होंगे दोस्तों यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। और दोस्तों इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो ज़रूरी अपडेट्स हों आपके पास यहाँ पर पहुँच जाएँ टाइमली, तो उससे भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा अभी का पूरा अपडेट, और अभी भी कुछ क्वेरीज़ हो आपको तो आप नीचे उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और दोस्तों शेयर ज़रूर करते रहिए सारी वीडियो, जैसा कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि अवेयरनेस की दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरा ही नहीं दूसरों का भी आप कंटेंट शेयर करिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर अवेयर हों चीज़ों को लेकर, क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर दोस्तों, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा चलन बढ़ेगा क्रिप्टो करेंसीज़ का, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर। तो आप अपने प्रॉफिट के खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको खुद ध्यान देना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर शेयर करिए कंटेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रॉफिट देखने को पाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा अभी का पूरा अपडेट, और दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।